और कार्बन भी ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जो कि जानदारों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये दोनों नॉन मेटल होते हैं। इस तरीके से अगली हेडिंग है हमारी, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब मेटल्स का जो रिएक्शन बता रहा है वो पानी के साथ, कि पानी के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो उसमें क्या अमल होता है वो बता रहा है। ओनली अ फ्यू मेटल्स रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्साइड ऑफ द रिस्पेक्टिव मेटल्स। जब भी चंद मेटल पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो नतीजे में हाइड्रोक्साइड बनता है उस मेटल के साथ जो रिएक्ट कर रहा है, और इसके नतीजे में जो मजीद प्रोडक्ट बनते हैं वो हाइड्रोजन गैस, जो कि आपको ब्रैकेट में नज़र आ रही है H2, और इसके साथ हीट प्रोड्यूस होती है। एग्जांपल के लिए आपको मजीद दो इक्वेशन समझाई गई है, जिसमें पहला है सोडियम जो कि मेटल है, पानी के साथ रिएक्ट कर रही है, नतीजे में सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, जिसको आम जबान में कास्टिक सोडा कहा जाता है, जो हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बनता है। और फिर इसके साथ मज़ीद जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हाइड्रोजन गैस बनती है, जो कि बहुत एक्टिव होती है, और इसके साथ हीट प्रोड्यूस होती है। तो आप देख रहे हैं कि सोडियम मेटल है और वो पानी के साथ रिएक्ट कर रही है, तो नतीजे में सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और हीट बन रही है। इसी तरीके से नीचे दूसरी इक्वेशन है पोटेशियम, जो कि मेटल है, पानी के साथ रिएक्ट कर रही है, नतीजे में पोटेशियम ऑक्साइड बन रहा है, और ये कास्टिक पोटैश कहलाता है, और नतीजे में हाइड्रोजन और हीट बन रही है। तो आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन में दो चीज़ें बहुत कॉमन है, हाइड्रोजन और हीट, ये दोनों इक्वेशंस में निकलती हुई आपको नज़र आ रही है जब भी मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, आज के ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए, अब हम एक्टिविटी